स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल SGS मिलकपुर में। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कबीरदास जी की साखियाँ और शब्द। ये वीडियो जो है बच्चों, कबीरदास जी की साखियों और शब्द का सेकंड पार्ट है। एक पार्ट इसका साखियों का मैंने पहले ही आपको अपलोड कर दिया, आप उसको देख लीजिए, उसके बाद ये वाला पार्ट आपको देखना है। तो कबीरदास जी की साखियाँ बच्चों हम पढ़ चुके हैं, अब उनकी क्या पढ़ेंगे, शब्द। शब्द क्या होते हैं बच्चों, पद, यानी कि कबीरदास जी ने जो समाज में जो कुछ देखा उसको पदों के माध्यम से उन्होंने गाया और उसको अपनी शब्दों में उतार दिया, उन्हीं को क्या कहेंगे, शब्द। पदों को क्या कहेंगे, शब्द, शब्द। तो शब्द पढ़ते हैं बच्चों, शब्दों में उन्होंने क्या बताया है, जो धर्म और जाति के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है उसके बारे में बताया गया है। दूसरे वाले जो शब्द है उसमें क्या बताया है, ज्ञान के बारे में बताया गया है कि ज्ञान कितना महत्वपूर्ण होता है। तो पहले वाले शब्द को पढ़ते हैं हम, क्या बताया गया है कबीरदास जी ने कि मोको कहाँ ढूंढई बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रियाक्रम में, नहीं योग वैराग में, खोजी होए तो तुरतई मिलहू पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो हई सादो सब श्वासों की श्वास में। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं बंदे को कि बंदे, हे बंदे, कि हे मनुष्य सुनो, मोको कहाँ ढूंढई, मोको मीन्स मुझे कहाँ ढूंढई, कहाँ ढूंढ रहे हो। भगवान जो है वो बंदे को कह रहे हैं, मनुष्य को कह रहे हैं कि तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में, कि मैं तो, भगवान कह रहे हैं बंदे को कि मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में हूँ, मैं तो तेरे पास में, मैं तुम्हारे पास में हूँ, मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो। फिर आगे क्या कहते हैं कि ना मैं देवल, देवल क्या होता है, मंदिर, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना मैं मंदिर में हूँ। भगवान क्या कहते हैं बंदे को कि ना मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद और ना ही मस्जिद में हूँ, ना काबे, न मैं काबे में हूँ। काबा क्या होता है बच्चों, एक धार्मिक स्थल है, किसका है, जो मुसलमान जो धर्म के जो लोग होते हैं उनका काबा क्या है, एक धार्मिक स्थल है। कैलाश क्या है, हिंदुओं का एक पर्यटन धार्मिक स्थल है। तो वो बताया गया कि ना काबे, कि ना मैं काबे में हूँ, यानी कि काबे पर जाने, जो काबा जो स्थान है मुसलमानों का, वहाँ पर जाने पर भी मुझको क्या है, प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ना कैलाश में और ना ही मैं कैलाश पर हूँ। कैलाश जो स्थान है, कैलाश पर्वत है, कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा होती है, ना मैं वहाँ हूँ, ना तो कोनो क्रियाक्रम में और ना ही मैं क्रियाक्रम, किसी भी क्रियाक्रम, क्रियाक्रम क्या होता है कि जो पूजा पाठ वगैरह हम जो करते हैं, जो नमाज अदा की जाती है उसको बारे में बताया गया कि ना मैं पूजा पाठ में और ना ही नमाज आदि की क्रियाक्रम में हूँ, यानी कि पूजा पाठ करने से या नमाज अदा करने से भी मुझको प्राप्त नहीं किया जा सकता, नहीं योग विराग में, ना ही मैं योग में हूँ और ना ही मैं वैराग्य में हूँ, यानी कि वैराग्य प्राप्त करने से भी मुझको क्या है, प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो फिर कैसे प्राप्त किया जा सकता है भगवान को, फिर आगे क्या बताते हैं कि खोजी होई तो तुरते ही मिलहू। आगे भगवान जो है वो बताते हैं कि मुझे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, खोजी हो, अगर मुझे खोजी होए मीन्स अगर मुझे सच्चे मन से खोजी होए, खोजा जाए या तलाश की जाए तो मेरी, तो मैं तुरंत ही मिलहू, मैं तुरंत मिल जाता हूँ, यानी कि पल भर की तलाश में, यानी कि पल भर की तलाश में ही मैं एकदम से बंदे को मिल जाता हूँ। कैसे मिल जाता हूँ, अगर कोई बंदा है जो वो सच्चे मन से मुझको याद करता है तो मैं उसको एक पल में ही मिल जाता हूँ। कहें कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों के श्वास में, कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधो, हे साधु जनो सुनो, तुम सुनो सब श्वासों की श्वास में, सब श्वासों, भगवान क्या कहते हैं कि मैं सब श्वासों की, सब श्वासों मीन्स मैं सभी मनुष्यों की श्वास में हूँ, यानी कि उनकी अंतरात्मा में मैं विद्यमान हूँ। भगवान क्या कहते हैं कि जो मनुष्य होते हैं प्रत्येक मनुष्य के श्वास में मैं हूँ, विद्यमान हूँ, मुझे बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं तो मनुष्य के अंदर हूँ। तो सारा जो शब्द है बच्चों, इसमें क्या बताया गया है
कि हमें भगवान को क्या है बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं मंदिर चले गए, कहीं मस्जिद चले गए, वहाँ पे पूजा अर्चना की, वहाँ पे नमाज अदा की, उससे हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान की प्राप्ति हमें कैसे होगी? हमें उसको भगवान को क्या है अपने मन में सच्चे मन से उनको याद करना है, तभी क्या है हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है। ये तो क्या है बाह्य आडंबर है, पूजा करना, अर्चना करना, किसी तीर्थ पर जाना, तो ये सब क्या है, ये तो बाह्य आडंबर है, केवल दिखावे के लिए है। लेकिन अगर भगवान को क्या है सच्चे मन से याद किया जाए तो वो क्या है भगवान एक पल में ही मनुष्य को मिल जाते हैं, एक पल में ही उनको उन भगवान की प्राप्ति के क्या है हो जाते हैं। उसको कहीं बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है भगवान को, वो तो मनुष्य के क्या है हर एक मनुष्य के अंतरात्मा में है, मन में बसे हुए हैं। तो वही है जो यही बातें जो इस शब्द में बताई गई हैं। इस शब्द में बच्चों क्या बताया गया है, ज्ञान की महत्ता को बताया गया है, ज्ञान के बारे में बताया कि ज्ञान के आने से क्या क्या दूर हो जाता है। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, एक बार देखते हैं। ये बच्चों मैंने बनाया है एक छप्पर, क्या बनाया है एक छप्पर। आपने खेतों में देखा होगा कई बार कि छप्पर जैसे झोपड़ी बनी हुई होती है, तो वो इस टाइप की बनी होती है। जैसे अगर कोई आंधी आती है, आंधी आएगी तो कई बार क्या होता है कि ये आंधी आने पर ये छप्पर जो है उड़ जाता है, क्या हो जाएगा उड़ जाएगा। ऐसे ही ज्ञान रूपी आंधी बताई गई है इसमें कि ज्ञान रूपी आंधी जब आएगी तो ये जो छप्पर बना हुआ है ये उड़ जाएगा, क्या है उड़ जाएगा। तो छप्पर यहाँ पर किसका प्रतीक है बच्चों, भ्रम का, किसका भ्रम का। और ये जो बल्ली बनी हुई थी ये किसका प्रतीक है, मोह का। ये जो हम मोह रखते हैं किसी भी चीज़ के प्रति वो क्या होते हैं बल्ली। रस्सी यहाँ की, ये रस्सी से ये जो बल्लियाँ बांधी गई है, छप्पर बांधा गया है, ये किसका प्रतीक है माया का, किसका माया का। और जो ये दो खंभे बने हुए हैं जिस पर ये छप्पर टिका हुआ है, ये किसका प्रतीक है, मन की जो बुरी अवस्थाएं होती है उसका प्रतीक होती है। तो क्या बताया गया है कि जो ज्ञान रूपी जब आंधी आएगी तो ये छप्पर, भ्रम रूपी छप्पर और बल्ली रूपी मोह और रस्सी रूपी माया और मन की जो बुरी अवस्थाएं होती हैं खंभे रूपी, वह सब क्या है उड़ जाएंगी। ज्ञान के आने पर भ्रम, मोह, माया और बुरी अवस्थाएं हैं वो जो खत्म हो जाएंगी। तो आप इसको शुरुआत करते हैं बच्चों, इसकी पढ़ते हैं हम इसको। क्या बताया गया है कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबई उड़ानी, माया रहे न बांधी, हिति चित की द्वई धुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा, जोग जुगती करी संतो भांदी, निर्चू चुए न पानी, कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भांग के प्रगटे, उदित भया तम खीना। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि बच्चों आंधी जो है उसकी तुलना किससे की गई है, ज्ञान से। किससे की गई है, ज्ञान से, यानी कि रूपक बांधा गया है। ज्ञान रूपी आंधी जब आएगी तो क्या क्या होगा, तो पढ़ते हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हे संतो, संत भाइयों सुनो, आई ज्ञान की आंधी रे, अब ज्ञान रूपी, ज्ञान मीन्स ज्ञान रूपी आंधी आ गई है, कि अब ज्ञान रूपी आंधी आ गई है। फिर ज्ञान रूपी आंधी के आने से क्या होगा बच्चों, कि भ्रम की टाटी, टाटी क्या होता है छप्पर, टाटी मीन्स छप्पर, ये जो छप्पर बना हुआ ना छप्पर, तो ये क्या है टाटी मीन्स छप्पर। तो भ्रम रूपी जो टाटी छप्पर है वो सबई उड़ानी, उड़ानी मीन्स उड़ जाएगा। ज्ञान की आंधी आने पर भ्रम रूपी टाटी छप्पर सबई उड़ानी उड़ जाएगा, भ्रम रूपी छप्पर उड़ जाएगा ज्ञान की आंधी आने पर। फिर क्या बताया कि माया रही न बांधी, माया, माया बताया था ना किसका प्रतीक है माया, रस्सी, जो ये रस्सियाँ है ना, तो ये रस्सी किसका प्रतीक है माया का। तो माया रूपी रस्सी न बांधी, उसको बांध नहीं सकती है, किसको, छप्पर को। जब ज्ञान रूपी आंधी आएगी ना बच्चों, तो जो रस्सी रूपी माया है, जो जिससे छप्पर बंधा हुआ है जिन रस्सियों से, वो भी क्या है इसको, इस छप्पर को बचा नहीं पाएंगी, इसको रोक नहीं पाएंगी आंधी आने पर, तो ये क्या है छप्पर उड़ जाएगा।
भ्रम की टाटी सभी उड़ानी, भ्रम की जो टाटी है वो, भ्रम का जो छप्पर है वो उड़ जाएगा, और माया रही ने बांधी, और माया भी जो है रस्सी रूपी जो माया है वो भी क्या है, उसको छप्पर को बांध नहीं पाएंगी। किसके आने पर? ज्ञान रूपी आंधी के आने पर। फिर क्या है कि हिति चित्त की द्वई टूनी गिरानी, हिति चित्त की, चित्त की, चित्त मीन्स मन की, मन की जो दो बुरी अवस्थाएं होती हैं, ये बताया गया ना, दो खंभे किसकी है, किसका प्रतीक है, मन की जो दो बुरी अवस्थाएं होती हैं उनका प्रतीक है, जो चित्त की दो बुरी अवस्थाएं होती हैं, द्वई मीन्स दो, थुनी मीन्स खंभा, गिरानी मीन्स गिरना। तो चित्त की हिति, ज्ञान की आंधी जब आएगी तो चित्त हित की, मन की जो दो बुरी अवस्थाएं रूपी थुनी खंभे हैं वो क्या हो जाएंगे, गिरानी गिर जाएंगे। किसके आने पर? ज्ञान रूपी आंधी के आने पर। फिर क्या होगा? मोह बलिंडा टूटा, मोह किसका प्रतीक है यहाँ पे? बल्ली। किसका? बल्ली का। तो बल्ली क्या है? बल्ली रूपी जो मोह होता है वो, बलिंडा मीन्स बल्ली, मोह मीन्स मोह, तो बल्ली रूपी जो मोह है वो क्या है, टूटा, टूट जाएगा। किसके आने पर? ज्ञान रूपी आंधी के आने पर। ज्ञान की आंधी आने पर क्या होगा? मोह भी है जो टूट जाएगा, मोह रूपी बलिया है जो वो टूट जाएंगी। फिर क्या होगा? तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, तृष्णा क्या है? इच्छा, तृष्णा इच्छा, छानी क्या होता है? छप्पर। तो इच्छा रूपी जो छप्पर है वो घर ही ऊपरी, घर के ऊपर जो, इस छप्पर के ऊपर जो, घर के ऊपर जो तृष्णा छाने, तृष्णा इच्छा रूपी जो छप्पर है वो क्या है, उड़ जाएगा। क्या होगा? उड़ जाएगा, यानी कि ज्ञान के आने पर मनुष्य की इच्छाएं क्या होगी, समाप्त हो जाएंगी। जब मनुष्य के अंदर ज्ञान आएगा तो इच्छाएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी ना। फिर क्या होगा? कुबुद्धि का भांडा फूटा, कुबुद्धि मीन्स बुरी बुद्धि, भांडा फूटना मीन्स भेद घुलना। तो कुबुद्धि का भांडा फूटना, कुबुद्धि का भांडा फूट जाएगा यानी कि भेद खुल जाएगा, यानी कि मोह के, ज्ञान के आने पर, ज्ञान की आंधी आने पर कुबुद्धि जो बुरी बुद्धि होती है वो क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। तो इन चार लाइनों में क्या बताया गया है बच्चों, कि ज्ञान के आने पर मनुष्य का क्या हो जाएगा, भ्रम टूट जाएगा, माया से दूर हो जाएगा मनुष्य, और क्या होएगा, इच्छाएं जो हैं उसकी, बुरी इच्छाएं हैं या कैसी भी इच्छाएं हैं वो क्या है, समाप्त हो जाएंगी, और क्या होगा, मोह छूट जाएगा, और तृष्णा इच्छा रूपी जो छप्पर है वो क्या है, वो खत्म हो जाएंगी, मनुष्य की इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, कुबुद्धि और जो बुरी बुद्धि होती है वो भी क्या है, ज्ञान के द्वारा दूर हो जाएगी। तो इन चार लाइनों में यही बताया गया है कि ज्ञान के द्वारा क्या क्या चीज़ें खत्म हो जाएंगी। फिर आगे क्या बताते हैं कबीरदास जी, कि जोग जुक्ति करी संतो बांधी, इन ज्ञान की आंधी आने पर ये सब चीज़ें उड़ जाएंगी। क्या हो जाएंगी? ज्ञान की आंधी आएंगी तो छप्पर उड़ जाएगा, बलियां उड़ जाएगी, रस्सी उड़ जाएंगी, और ये जो खंभे हैं, बुरी अवस्थाएं हैं मन की, ये उड़ जाएंगी। उसके बाद ये कैसे बनेगी, कैसे बनेगी वो बताया गया आगे, कैसे बनेगी, जोग जुक्ति करी संतो बांधी, अगर जो संत लोग हैं वो योग युक्ति, योग की युक्ति से, युक्ति मीन्स योजना से या युक्ति, योग की युक्ति से बांधी, इसको बांधेंगे यानी कि छप्पर को बांधेंगे, या योग के द्वारा कोई ऐसी योजना बनाएंगे, ऐसी युक्ति लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, छप्पर जो है वो बंद जाएगा। निरचू चूहे ने पानी, उससे, निरचू मीन्स थोड़ा भी, चूहे मीन्स टपकना, न पानी, पानी मीन्स पानी, अगर जो संत लोग हैं वो योग की युक्ति से या योग की योजना से छप्पर को बांधेंगे तो क्या होगा, निरचू मीन्स थोड़ा सा भी, पानी मीन्स पानी, न चूहे, नहीं चूहेगा यानी कि नहीं टपकेगा, वो इतनी अच्छी तरह से इसको छप्पर को बांध देंगे। फिर क्या होगा, कूड़ कपट काया का निक्षा, कूड़ कपट मीन्स कूड़ा करकट, काया मीन्स शरीर का, निक्षा मीन्स निकलना, तो काया शरीर का जो कूड़ा करकट है या जो बुरी इच्छाएं हैं मनुष्य के अंदर वो क्या है, निक्षा निकल जाएंगी। हरि की गति जब जानी, हरि की गति मीन्स भगवान की गति को जब जानी मीन्स जाना जाएगा, यानी कि भगवान के बारे में जब जाना जाएगा, उसको सच्चे मन से जब ध्यान किया जाएगा भगवान का, तो मनुष्य की क्या हो जाएगी, जो मनुष्य के अंदर जो कूड़ा
कूड़ा जो विषय वासनाओं रूपी दुर्भावनाओं रूपी कूड़ा करकट भरा हुआ है शरीर के अंदर मनुष्य के, वो क्या है, भगवान की गति से, भगवान का ध्यान लगाने से वो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, निकल जाएगा शरीर से। फिर क्या होगा, आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिजन भीना, आंधी पीछे, आंधी आंधी पीछे मीन्स आंधी आने के बाद जो जल बूठा, जो जल बरसता है, यानी कि आंधी आने के बाद जो बरसात होती है, जल बूठा मीन्स जल बरसता है, तो क्या होता है, हरिजन भी, हरिजन मीन्स भगवान का मनुष्य भीना भीग जाता है, किससे, प्रेम से, प्रेम रूपी जल से। जब जो हरिजन जो भगवान का मनुष्य होता है, ये भगवान को जो, भगवान का जो भजन करता है जो मनुष्य है, वो भगवान के प्रेम में भीना मीन्स भीग जाता है। फिर क्या होता है, कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खिना। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि भान क्या होता है, सूर्य, प्रगटे मीन्स प्रकट होना, उदित मीन्स उदय होना, भया मीन्स होना, और तम क्या होता है, अंधकार, खीना मीन्स खत्म हो जाना। तो क्या बताया कि कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जब भान के सूर्य के प्रकट होने पर तम खीना जो विषय वासनाओं रूपी अंधकार है, खीना, वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगर मनुष्य के अंदर अच्छाइयाँ हो, अच्छाइयाँ रूपी सूरज का आगमन होगा, तो वो क्या है, जो अंधकार है मनुष्य के अंदर, वो क्या है, बुराइयां रूपी अंधकार है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें ज्ञान की महत्ता को बताया गया है। तो बच्चों, अगर आपको हमारा ये वाला टॉपिक पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।